हेलो दोस्तों, आनंद डिजिटल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोटिवेशनल पोस्ट इन हिंदी। हिंदी में मोटिवेशनल पोस्ट कैसे बनाएं? काफ़ी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज को देखकर कहा है कि आप हमें भी मोटिवेशनल पोस्ट बनाना सिखाएं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि मोटिवेशनल पोस्ट हिंदी में कैसे बनाएं। जो यूज़र इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उनको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपको पोस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फाइल में, न्यू में हम यहाँ साइज सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर साइज सेलेक्ट करेंगे 1200 विड्थ और हाइट में भी 1200, ठीक है। बाकी आरजीबी कलर, वाइट बैकग्राउंड, ये सब चीज़ सेम रखेंगे। उसके बाद क्रिएट, ये हमने एक पेज ले लिया है पोस्ट बनाने के लिए। मैंने ऑलरेडी कंटेंट भी रख रखा है, ये देखिए टेक्स्ट, ये आप पहले से या तो लिख लीजिए या सर्च कर लीजिए, जैसे भी आप करें। मैंने ये कंटेंट रेडी कर लिया है ताकि हमारा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं अपने पेज के ऊपर टाइप कर लेता हूं। राह के पत्थर से बढ़कर, हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं है मंजिले, ये सेटिंग है आप देख लीजिएगा। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। ये हमारी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। अब इस पोस्ट में सबसे मेन चीज़ है कि हमें जो इससे रिलेटेड फ़ोटो सर्च करना। हमने कंटेंट लिख लिया है, कंटेंट टाइप कर लिया है, अब हमें फ़ोटो सर्च करनी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया है कि कैसे फ्री फ़ोटो कहाँ से सर्च करें। तो अब मैंने 12 वेबसाइटें बताई हैं जहाँ से हमें फ्री फ़ोटो अवेलेबल हो सकती है। आपको कहीं से भी अगर फ़ोटो डाउनलोड करनी है आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उन 12 वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं जिसका नाम है pixels.com, ये मैंने ओपन किया हुआ है। अब हमें इस कंटेंट के अकॉर्डिंग इमेज सर्च करना है। अब कंटेंट है हमारा राह के पत्थर, मंजिले, सफ़र, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इमेज को सर्च करना है। कंटेंट और इमेज एक दूसरे के साथ रिलेट करें। तो pixels.com हमने खोल लिया है, अब हम इसके अंदर सर्च करेंगे। माउंटेन क्लाइंबिंग करके मैंने सर्च किया है, तो देखिए इसमें बहुत सारी फोटो हैं। अब हमें देखना है कि राह के पत्थर
जिसमें हों, मंजिल की तरफ बढ़ते हों, सफर जारी रख रहे हों, इस टाइप की हमें कोई इमेज इसमें सर्च करनी है। ये देखिए एक ये इमेज है जिसमें पत्थर भी दिख रहे हैं, सफर भी दिख रहा है, ठीक है। एक इमेज ये भी है हमारे पास जिसमें रास्ते भी दिख रहे हैं, सफर भी दिख रहा है, तो ये भी है एक इमेज। बहुत सारी इमेज है, ये भी है एक इमेज जिसमें रास्ते भी दिख रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, ये भी है। आपको बहुत सारी इमेज यहाँ से मिल जाएगी। आपको बेस्ट इमेज जो लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एक फोटो ये भी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये फ्री डाउनलोड हो चुका है फुल रेजोल्यूशन में। एक फोटो मैंने स्टार्टिंग में देखा था, पहली फोटो ही वो आई थी, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब हम डाउनलोड वाले सेक्शन में गए, यहाँ पे हमने दो फोटो डाउनलोड किए हैं, एक फोटो तो ये है और दूसरी फोटो ये है, तो हम इस फोटो को भी उठाकर एक बार इस पे वर्क करते हैं। हमने ये रखा, थोड़ा सा जूम किया, यहाँ तक रखा, कंटेंट को ऊपर प्लेस किया और यहाँ रखा। अब हमें बैकग्राउंड भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें पहले तो हम इस फोटो को रेस्टराइज लेयर कर देंगे, उसके बाद बैकग्राउंड को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल में जाके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F5 दबाएंगे, उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे, तो बैकग्राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक बादल भी बन गए हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम मैजिक वैंड टूल में जाके खाली एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल F5 करेंगे और दोबारा ओके कर देंगे, तो भी सेम चीज बन के आ जाएगी। ठीक है, राह के पत्थर, मंजिले, रास्ते, सफर जारी, उससे रिलेटेड है ये। अब हमें इसमें कौन सी चीज हाईलाइट करनी है, कौन सी चीज हाईलाइट नहीं करनी है, उसको ध्यान रखेंगे। राह के पत्थर, इसको थोड़ा सा साइज कैपिटल कर देंगे, मतलब साइज इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह सफर जारी रखो, इसको भी हम सेम साइज में कर देंगे, 130 है तो 130 कर देते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा। अब जो ये गैप आ रहा है, इस गैप को कम करने के लिए यहां से हम इसकी लाइट हाइट बढ़ा देंगे, जितनी हमें चाहिए उतनी कर देंगे। इन दोनों के बीच में भी जो कमी है उसको भी हम, जो लाइन हाइट है उसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ये बारीकी की चीजें हैं, बिल्कुल आराम से जरूर देखिए, फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारा कलर कम्बिनेशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम एक ओवर ले लेंगे। उसके लिए इस इमेज से पहले हमें एक लेयर लेनी होगी, लेयर वन, ये ले लिया, ब्लैंक लेयर लिया है। अब हमें इसको बैकग्राउंड ब्लू है तो ब्लू सिलेक्ट करके डार्क ब्लू कर देंगे इसको और इसको फिल कर देंगे। उसके बाद इरेजर लेके
इरेजर यहाँ से इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाएगा इरेजर का, और राइट क्लिक करके हम फेड वाला इरेजर ले लेंगे और ऐसे साफ कर देंगे। और जो हमारा ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर देंगे, कम कर देंगे, 80 कर देंगे। और जो हमारा कंटेंट है उसको सिलेक्ट करके पूरे को यहाँ से कलर में वाइट कर देंगे, या जो भी आपको करना है। अब देखिए पूरा प्रॉपर ये दिखने लगा है। अब रहा के पत्थर है तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब कलर चेंज करना है उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है कि जो हमारा पोस्ट है, जो हमारी पोस्ट है उसके अंदर कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं और वो कौन से कलर उठेंगे जो प्रॉपर हमें दिखाई देंगे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पोस्ट को अच्छा बनाने के लिए, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे। शुरू शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप वो भी सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कलर अच्छा लगेगा तो मैं ये कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे सफ़र जारी रखो पे भी ये सेम कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लूँगा कलर का, और सफ़र जारी रखो पर सेम यहाँ पे क्लिक करके कोड पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। अब इसके अंदर ये तो हो गया सिर्फ सिंपल टेक्स्ट, एक इमेज। अब इसको और भी अच्छे से हम सजा सकते हैं, जैसे कोट्स लगाकर, बॉर्डर लगाकर, डिवाइडर लगाकर। तो अब हम गूगल पे चलते हैं, मैं यहाँ से कोट्स PNG आइकन सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे आ जाएंगे। सर्च किया मैंने, मुझे जो चाहिए ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इजी बता सकूँ। डाउनलोड सेक्शन में गए, डाउनलोड सेव किया, ठीक है। अब हम डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे और इसको उठाकर हमारी पोस्ट पे रख देंगे। अभी तक हमने फाइल सेव नहीं करी है, फाइल सेव जरूर कर लें ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारी फाइल सेव रह जाए। तो मैं इसको पोस्ट वन नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमने ये ले लिया है, इसको रेस्टराइज लेयर कर देंगे। उसके बाद बैंड टूल पे जाएंगे हम, मैजिक बैंड टूल पे, पहले कोट को फिर दूसरे कोट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके और इस लेयर को डिलीट कर देंगे, और जो हमने कंट्रोल एक्स किया था उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब ये कोट हमारे पास आ गया है, इस कोट को रोटेट करेंगे हम कंट्रोल टी करके, और ये देखिए ये एरर आ रहा है, यहाँ से हम इसको पूरा रोटेट कर देंगे। ये हो गया रोटेट। रोटेट होने के बाद इसको जितना हमें छोटा करना है इसको छोटा कर देंगे और इसको सेंटर में ले जाएंगे, और यहाँ राइट डबल क्लिक करेंगे, इस खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे, कलर ओवरले। अब हमें किस टाइप का कलर रखना है, वाइट रखना है, वाइट ले लेंगे, ओके ओके। अब इसको और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर देंगे, हम इसको यहाँ पे भी आगे रख सकते हैं और ये यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नीचे हम डिवाइडर लगाना चाहते हैं, नीचे एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम गूगल पे जाएंगे और बॉर्डर डिवाइडर बॉर्डर PNG सर्च करेंगे। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे डिवाइडर बॉर्डर जो नीचे हमें यूज करने वो मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है आपके अकॉर्डिंग आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ठीक लग रहा है,
पीएनजी में भी है, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। अब मैं इसको सेम चीज करके वापस यहीं पे ले आऊंगा। ये देखिए ये आ गया। और डबल इसका नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं, डिवाइडर कर देते हैं, इसको कर देते हैं बॉर्डर डिजाइन, बॉर्डर कर देते हैं। डबल क्लिक, कलर वाइट हो चुका ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इस ओवरऑल को सिलेक्ट करके तीनों लेयर को, बॉर्डर को और जो हमारा कोर्स है, इसको कोर्स कर देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। कोर्स कर दिया, बॉर्डर, कोर्स और टेक्स्ट, तीनों को सिलेक्ट करके ये सेंटर की कमांड है, सेंटर कमांड दे देंगे, ये सेंटर हो गया। और पेज बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करके अगर हम इसको कमांड देंगे तो पेज का सेंटर हो जाएगा। फिर किया। अब मुझे लगता है कि ये कंटेंट बॉर्डर सब थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कंट्रोल टी करेंगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगा, इसको जितना हमें छोटा करना उतना छोटा कर देंगे और उतना ऊपर इसको रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटेंट रेडी। और इस इमेज में भी अगर हमें थोड़ा इफेक्ट लगाना है तो कंट्रोल एल दबाकर इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं नीचे वाली इमेज को। ये सेटिंग है फोटोशॉप की सारी, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया है मोटिवेशनल कोट इन हिंदी। इसको जितना सजाना है आप अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं, जैसे अभी एक बॉर्डर भी लगा सकते हैं हम इसके ओवरऑल, तो हम बॉर्डर भी लगा के दिखा देते हैं। ये लगाया बॉर्डर, उसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ऊपर वाली लेयर जो हमारा बॉर्डर है और नीचे वाला बैकग्राउंड, सेंटर कमांड देने के लिए ताकि आगे पीछे कुछ ना दिखाई दे, आउट ना हो। अब हमें इसकी ओपेसिटी कम करके इसको कम करना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर का कलर हम जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये देखिए। और अगर यहाँ से नहीं देना चाहते या दे सकते हैं आप वाइट कर दो यहाँ से। उसके बाद इस बॉर्डर की भी ओपेसिटी आप कम करेंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, बॉर्डर की ओपेसिटी हमने कर दी 40%, बॉर्डर की ओपेसिटी होगी। उसके बाद हमें दिख रहा है कि हमारा जो कोट है ना बिल्कुल टच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा तीनों को सिलेक्ट करके लेयर को हम इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ओवरले है इसको भी हल्का सा अगर हम नीचे करें तो सही हो जाएगा। और इरेजर से सिर्फ एक पर्सन के पास जाकर हल्का सा और इसकी ओपेसिटी हमें 70% कर देनी चाहिए। ये देखिए अब आपके सामने रेडी है ये हिंदी मोटिवेशनल कोट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। कोई कमांड अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें कि मैंने कौन सी कमांड यूज की है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर में एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट के अगर शैडो देना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। राइट क्लिक करके राइट ब्लेंडिंग ऑप्शन, उसके बाद ड्रॉप शैडो, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे हम, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको हल्का सा नीचे करके। ये देखिए इसमें शेडो आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, डिस कर देते हैं हल्का सा। इसी तरह हम कोट्स में भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ड्रॉप शेडो में गए, ये किया, ऐसे किया,
मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शेडो बना हुआ है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे वाले बॉर्डर को भी कर देते हैं हल्का सा। ड्रॉप शेडो में जाएंगे डबल क्लिक करके और उसके आसपास का कलर सिलेक्ट करके यहाँ से पॉइंट कम कर देंगे ताकि जितना हमें लेना है उतना ले सके। ठीक है, और उसके बाद ये जूम का ऑप्शन होता है, इसे छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ से। अब जूम करेंगे और यहाँ से अनजूम हो जाएगा। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, यहाँ से जूम, यहाँ से स्क्रॉल, यहाँ से जूम इन, स्क्रॉल करके ये पूरी इमेज आपके सामने रेडी है। हमने फोटो कैसे डाउनलोड करी, फोटो कहाँ से सर्च करी, कैसे सर्च करी, कंटेंट आपको पहले से ही रेडी रखना पड़ेगा, चाहे आप सर्च कर लें गूगल से या आप लिख लें बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद आपको इस तरीके से मोटिवेशनल पोस्ट बना सकते हैं, आप अपना पेज शुरू कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैंने भी इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया है, आपने देखा ही होगा उस पर काफ़ी सारे पोस्ट मैं डालता रहता हूँ डेली के, फेस्टिवल पोस्ट भी डालता रहता हूँ। और बहुत जल्द मैं आपको फेस्टिवल की जो पोस्ट बनती है वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको उसका भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मोटिवेशनल पोस्ट कैसे बनाएं, तो इसलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।